अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 30। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू चेंज लाइन कलर, हाउ टू चेंज लाइन विड्थ, हाउ टू इंसर्ट मल्टी लाइन, हाउ टू एडिट इन मल्टी लाइन एंड हाउ टू चेंज द लाइन स्टाइल। आज के इस लेसन में हम लाइन स्टाइल कैसा चेंज करते हैं, लाइन विड्थ कैसा चेंज करते हैं, मल्टी लाइन किस तरह इंसर्ट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा। ऑटो कैड को ओपन किया, आज के इस लेसन में हमने लाइन के ऊपर डिस्कस करना है, लाइन स्टाइल के ऊपर डिस्कस करना है। तो लाइन स्टाइल यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आप लाइन स्टाइल देख सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, तो फॉर्मेट में देखें लेयर टूल है, कलर स्टाइल है, देखें लाइन टाइप है, लाइन विड्थ है, ट्रांसपेरेंसी है, स्केल लिस्ट है और यहाँ पे लाइन के स्टाइल हैं, मल्टी लाइन मल्टी लीडर स्टाइल है। मल्टी लीडर तो अभी हम नहीं करेंगे, मल्टी लाइन स्टाइल है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज की है और यही काम यहाँ पे भी शॉर्टकट आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और ये सारे काम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं लाइन एंजर्ट करूँगा, तो लाइन एंजर्ट करने के लिए पहले एंटर करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ यूनिट मेरी सेट है। ओके यूनिट सेट है, अब मैं लाइन के स्टाइल के लिए एल इंटर करता हूँ। तो अब देखिए नॉर्मल जब मैं लाइन इंसर्ट करता हूँ, 10 फुट की मैं लाइन देता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस देख सकते हैं। अब मेरे पास ये जो लाइन यहाँ पे यूसी एंटर करता हूँ और जो डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, तो हमारे पास देखिए व्हाइट कलर की हमारे पास लाइन आ रही है। अब इस लाइन की विड्थ आप बढ़ाना चाहें, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, लाइन कलर चेंज करना चाहें, लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइन का कलर चेंज करने के लिए आप शॉर्ट जो कमांड है सी ओ एल एंटर, सी ओ एल एंटर करने से देखें यहाँ पे कलर आ गया, इंडेक्स कलर है, ट्रू कलर है, कलर बैलेंस है और यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारे कलर स्टाइल है, यहाँ पे भी कलर है। आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी कलर है देख सकते हैं। मैंने ये वाला कलर चूज़ किया फॉर एग्जाम्पल, ये वाला ओके कर दो यहाँ पे। अब जब मैं एल एंटर करूँगा, लाइन दूंगा, तो उसमें कलर मेरे पास चेंज जाएगा। सॉरी एल एंटर करता हूँ, देखिए कलर मेरे पास चेंज हो गया। यहाँ से मैंने कलर जब चेंज किया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। तो मेन यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर आपने देना चाहे तो आप यहाँ से कोई और कलर भी दे सकते हैं। देखें कलर भी चेंज हो गया और उसके अलावा यहाँ पे भी आपको कलर मिल रहे हैं, ये वाले जो बता रहे कलर है, ये लाइन की विड्थ है, ये लाइन का स्टाइल है, मैच प्रॉपर्टी है। मैच प्रॉपर्टी का फंक्शन में भी आपको समझाता हूँ क्या फंक्शन होता है। उसके बाद कलर की विड्थ आप बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से भी कलर की विड्थ, सॉरी लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं। और लाइन की विड्थ बढ़ाने की शॉर्ट कमांड है एल डब्ल्यू, आई थिंक एल डब्ल्यू है लाइन विड्थ। और यहाँ से अपने कोई भी विड्थ आप जो भी देना चाहें आप यहाँ दे सकते हैं, देखें यही विड्थ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं स्टाइल है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं एल एंटर करता हूँ, ओके एल एंटर करता हूँ मैं, और डबल क्लिक भी किस पे करके तो आप इसकी लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप और विड्थ चेंज कर सकते हैं। अभी लेंथ विड्थ क्यों नहीं चेंज हुई वो देखता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड में बताता हूँ आपको लाइन की विड्थ क्यों नहीं चेंज हुई। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये शो इसलिए नहीं हो रही हमारे पास लाइन विड्थ, क्योंकि हमने फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद या फिर आप डायरेक्ट लाइन स्टाइल के लिए आप एक तो फॉर्मेट में जाएंगे, जाने के बाद आप लाइन विड्थ पे यहाँ पे देखें और यहाँ पे आपके पास आएगा जी लाइन टाइप और लाइन वेट लिखा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जाएं या फिर आप एल डब्ल्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने करना है डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो तब आपको जो हमने लाइन देखे जिनकी वेट चेंज किया है वो हमारे पास लाइन नजर आ रही होंगी आपको, देख सकते हैं आप।
तो ये जो जो हमने लाइन चेंज की थी उनकी वेट नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ से अपने लाइन वेट भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक और मैं लाइन जो है तो मैं लेता हूँ, ये वाली लाइन में लेता हूँ और एल एंटर करता हूँ। देखें वो लाइन आ गई। अब उसके बाद लाइन का स्टाइल, आप लाइन का स्टाइल आप ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन में इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिएगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंसी की क्या हो गई, कम हो गया। जो ही मैं इसके करीब लेके जाऊँगा तभी ट्रांसपेरेंसी की हाईलाइट करेगा। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी का फंक्शन होता है कि ट्रांसपेरेंट आप अपनी लाइन को कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी में इसकी 0 ही करता हूँ। अब देखें लाइन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की एक्यूरेट आ गई। नेक्स्ट आप बस यहाँ पे लाइन्स के कुछ स्टाइल हैं, इसके लिए आप अदर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप बस देखें तीन स्टाइल ही यहाँ पे मौजूद हैं। और भी लाइन का स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लाइन स्टाइल हैं, देख सकते हैं आप डॉटेड में स्टाइल्स हैं आपके पास, तो आप इनमें से आप कोई भी लाइन स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला जिगजैग वाला स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप लोड आप करंट पे क्लिक करेंगे और सॉरी आपने सेलेक्ट करना है लाइन को, मैंने सेलेक्ट किया लाइन को, करंट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब जब मैं एल प्रेस करूँगा, एल इंटर करूँगा, तो देखिएगा वो वाला स्टाइल आ जाएगा। देख सकते हैं जिगजैग वाला स्टाइल मेरे पास आ गया। वेट इसका मैं नॉर्मली रखता हूँ, देखिएगा बाय लेयर ही लगता हूँ, फिर एल इंटर करता हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ स्टाइल हैं इसके यहाँ पे। उसके बाद मैच प्रॉपर्टी का फंक्शन क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास ये जो लाइन है वाइट लाइन है, इसका और इसका स्टाइल एक हो जाए, तो उसके लिए आप मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करें। पहले आप उस लाइन को सिलेक्ट करें जिसको आप मैच करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखें उसका स्टाइल चेंज हो गया। दोबारा मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, अब ये वाला स्टाइल देना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया इसको, देखें सिलेक्ट किया इसको, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वैसा स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट मैच प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी वैसे वैसे करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट किया इसको और इस लाइन को भी मैं वैसा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, देखिए वो वाली लाइन का स्टाइल चेंज हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये होता है मैच प्रॉपर्टी का फंक्शन। तो आपने मैच प्रॉपर्टी सब की नॉर्मली रखनी है, तो नॉर्मल रखने के लिए आप क्या करो, मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो इसको और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी लाइन को मैच प्रॉपर्टी कर लो। देख सकते हैं तो ये जी स्टाइल होता है लाइन का और लाइन की मैच प्रॉपर्टी का। तो ये तो आपका था जी लाइन, लाइन को आप किस तरह आपने चेंज करना है, किस तरह इसमें कर सारी लाइन को स्टाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपके पास आता है जी लाइन मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए आप एम एल प्रेस एंटर करें, एम एल एंटर करते हैं तो आप मल्टी लाइन आ जाती है। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करें, तो आप देखें यहाँ पे मल्टी लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। स्केप प्रेस करें तो देखिए दो लाइन आपके इंसर्ट हुई है। तो इस मल्टी लाइन का स्टाइल चेंज करने के लिए अपने ड्रॉ में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी मल्टी लाइन स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें स्टाइल है आपके पास, तो आपके पास जो स्टाइल सामने शो किया हुआ है, जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो आपके पास है स्टैंडर्ड। आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल चेंज करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करें, या नया स्टाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करें, स्टाइल का नाम दें कौन सा स्टाइल आप देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एम लाइन, मल्टी लाइन का एक नाम दे देता हूँ। तो पहले से जो स्टाइल हमारे पास मौजूद है वो स्टैंडर्ड स्टाइल है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नज़र भी आ रहा होगा। और अब जो मैं बना रहा हूँ वो एम लाइन के नाम से, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। अब कंटिन्यू जो ही मैंने क्लिक किया तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं स्टाइल के बारे में कि स्टाइल क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास दो लाइन यहाँ पे दी हुई है मल्टी लाइन। तो बेसिकली हमारे पास शुरू में भी यहाँ पे देखें मल्टी लाइन में दो ही लाइन दी हुई है,
तो आप इन लाइंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करें, इसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अब जो पहली लाइन हमारे पास होगी 0.5 के फासले पे होगी, और जो दूसरी लाइन ऐड करता हूँ तो वो फॉर एग्जांपल है जी कितने कौन से फासले पे है, तो उसका ऑफसेट यहाँ पे आपने देना है 0. इसका जो फासला होगा वो होगा जी -0.5। तो पहले भी -0.5 ही था, -0.5। ओके एक और ऐड करता हूँ तो वो 0 के फासले पे हमारे पास देख सकते हैं, 0 के फासले पे है। और ये अब मैं ओके करूँगा यहाँ पे, देखिएगा ओके करता हूँ, तीन लाइनें हमारे पास आ गई हैं। सेट करंट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब जब मैं मल्टी लाइन इंसर्ट करूँगा, ML मल्टी लाइन इंसर्ट करता हूँ, देखिएगा तीन लाइन आ गई हमारे पास। देखें तो ये 0 इसका ऑफसेट था, ये 0.5 और ये -0.5 के फासले पे है, देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक और स्टाइल देता हूँ, एक और काम करता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं दोबारा ML करता हूँ, लाइन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ML की जगह आप फॉर्मेट में जाएं और मल्टी लाइन स्टाइल पे क्लिक करें। जो नया स्टाइल मैं लेता हूँ तो वो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, या फिर आपने इस स्टाइल के ऊपर ही काम करना है, इसी में आपने काम करना है तो इसमें मॉडिफाई करना है तो इसमें मॉडिफाई पे क्लिक करें। अब ये इसी स्टाइल पे मॉडिफिकेशन होगी, तो मैं इस स्टाइल एम लाइन पे मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। तो मॉडिफिकेशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके बीच में एक और लाइन देता हूँ, इससे टॉप पे ऐड करता हूँ, बल्कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये जो स्टाइल है 0.5 है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, इसका साइज मैं देता हूँ 0.10। इसका स्टाइल मैंने 0.10 दे दिया, 0.1 आ गया। नीचे वाली ये जो लाइन है इसको मैं देता हूँ, ये हमारे पास फासले पे है 0 पे, और इसके बाद एक और ऐड करता हूँ, उसको देता हूँ मैं 0.5। मैं चार लाइन इंसर्ट कर रहा हूँ, तो डिलीट करता हूँ 0.1, इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 0.1। सॉरी मैं गलत जा रहा था, फॉर्मेट मल्टी लाइन स्टाइल मॉडिफाई 0.5 -0.5, इसको मैं करता हूँ 0.10। ओके ये जो 0.5 है और इसको करता हूँ -0.10, या इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 0.5 करता हूँ, सॉरी 0.5 कर दिया मैंने। इसके बाद एक और नीचे ऐड करता हूँ तो उसको मैं 1.0 कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका एक और नया स्टाइल आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक ये काफ़ी है, और इसको मैं 0 ही करता हूँ। नेक्स्ट एक और ऐड करता हूँ, वो 0 आ जाएगा, और इसका स्टाइल अब मैं चेंज करता हूँ, तो स्टाइल में आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखें कलर रेड दे दिया मैंने इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर रेड आ गया सेंटर वाले का, और बाय लेयर ये भी है। इसका कलर मैं देता हूँ यहाँ से ग्रीन, नीचे वाले का कलर मैं यहाँ से देता हूँ ग्रीन, और जो सेंटर वाली लाइन है सेंटर वाली लाइन की टाइप भी मैं चेंज करता हूँ, तो उसके लिए आप लाइन टाइप पे क्लिक करें और लाइन की टाइप करता हूँ सेंटर वाली की मैं, ये देख से आए ओके देख सकते हैं। और उसके अलावा आप देखें लाइन जो है स्टार्ट जब हो तो लाइन के स्टार्ट में क्या हो, एंड में क्या हो, तो मैं कहता हूँ कि आउटर हमारे पास स्टार्ट में भी एक आर्क हो और एंड में भी आर्क हो, तो आप आर्क भी दे सकते हैं। यहाँ से कोई और चीज़ देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो मैं इनर आर्क करता हूँ और एंड पे भी मैं आर्क करता हूँ, ओके। और यहाँ से मैं आप इसको
ये जो मेरे पास एम लाइन है इसको ओके करता हूँ। अब मल्टी लाइन इंसर्ट करूँगा। देखिए मेरे पास एक लाइन इंसर्ट हो गया, देख सकते हैं ये हमारे पास मल्टी लाइन, और मल्टी लाइन का स्टाइल भी चेंज हो गया। अभी ये मल्टी लाइन, फिर दोबारा मैं इसके फॉर्मेट जाता हूँ, देखता हूँ मैंने जो काम किया था। मल्टी लाइन लोड न्यू आप बनाना चाहें तो न्यू बना सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास बन गई है। अब यहाँ पे नई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि एक बार मॉडिफिकेशन हो गया बार बार मॉडिफिकेशन नहीं होती, तो आप नई लाइन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये था जी हमारे पास मल्टी लाइन का ऑप्शन, और मल्टी लाइन को इंसर्ट करने का तरीका, और मल्टी लाइन में एडिटिंग करने का तरीका। और मल्टी लाइन जो होती है आप इसको भी लाइन, इसको भी आप एल एंटर करके आप इसको भी एक डिस्टेंस दे सकते हैं। मल्टी लाइन एम एल एंटर करता हूँ, क्लिक फर्स्ट पॉइंट, और 10 पॉइंट देता हूँ मैं इसको 5 फुट, देख सकते हैं 5 फुट के फासले में पास आ गया, देख सकते हैं। तो इसमें भी आप डिस्टेंस को एक्यूरेट डिस्टेंस भी दे सकते हैं। तो ये था जी मल्टी लाइन का ऑप्शन। और मल्टी लाइन में आप इनका स्टाइल दोबारा से नॉर्मल लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, बाय लेयर कर दें इसको, इसको भी बाय लेयर कर दें, और ये जो मेरे पास लाइन का स्टाइल है इसको भी आप बाय लेयर कर दें, तीनों को बाय लेयर रहने दें। और अब आप एल एंटर करेंगे तो आपकी नॉर्मल लाइन ही एंटर होगी, देख सकते हैं। तो ये था जी कुछ तरीका मल्टी लाइन इंसर्ट करने का, मल्टी लाइन का स्टाइल चेंज करने का, कलर वगैरह चेंज करने का। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।